माँ आपको पता है रजनी ना मंदिर जा रही है राधा और दीपक के लिए प्रार्थना करने। वाह भाई वाह, क्या परिवार है हमारा है, सुनते हो? देखो हमारे बच्चों को एक दूसरे की कितनी चिंता है। अरे काश वाजपेयी को भी ये बात समझ में आ जाती। वो तो ठीक है, पर तुम यूं पेट पकड़ के मुंह बना के क्यों बोल रहे हो? क्या बताऊं गायत्री, कब्ज हो गया है, हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है इधर पेट में। खबरदार, जो फिर से पेट खराब होने का बहाना किया तो मैं खूब समझती हूँ। अरे क्या समझते हो यार, तुम कुछ नहीं समझती, तुम छोटी बस तू ही समझ सकती है। देख क्या है ना, चूरन तो पाचक होता है ना, हाँ। उससे सब पच जाता है ना, हाँ। तो जा आलोक से कह के चूरन ले आए मेरे लिए। जी बाजी लाती हूँ। रुक छोटी, ये सब बहाने बना रही है बुढ़ऊ। फिर बहाना? हाँ बहाना। क्या है बहाना है, क्या हुआ? ओ, अच्छा वो तू आ गया यार, तू यार समझा इस बुढ़िया को। अरे हम लोग सुबह सुबह क्यों शुरू हो जाते हैं? अरे नसीहत मत दे यार। हुआ क्या है? हुआ कब्ज, हुआ कब्ज हुआ, और ये सोच रही है मैं बहाने कर रहा हूँ। वैसे माँ बहाना थोड़ी ना बना रहे हैं बाबूजी। अरे रहने दे छोटी, ये बुढ़ाऊ ना ये सब चूरन के लिए कर रहे हैं। अभी दो गोली चूरन के देंगे और ठूसने बैठ जाएंगे खाना। अरे क्या ठूस, तुम भी है ना यार, क्या ठूस देती हो मेरे दिमाग में। अरे सुन, तू समझ सकती है, तू समझ सकती है, मैंने तुझे बताया ना चूरन तो पाचक होता है, खाने से सब कुछ पच जाता है, तो समझाना बुढ़ियों को। हाँ माँ बाबूजी ना ठीक कह रहे हैं, चूरन तो पाचक होता है, खाने से सब पच जाता है। छोटी तू इनके बहकावे में मत आ, बुढ़ाऊ को चूरन की लत लग गई है, खबरदार। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही कह रही है माँ। बाबू जी आपको ना चूरन की लत लग गई है। चुप कर, माँ का चमचा। लत लग गई है, तू समझ सकती है, मैंने तुझे बताया ना चूरन पाचक होता है, सब पच जाता है, जा लिया चूरन ले। खबरदार खबरदार, कोई इस घर में चूरन नहीं लाएगा। मेरी मुमताज सुनो यार, मेरी बात समझने की कोशिश करो, कब्ज हो गया है ना, कब्ज हो गया है, तो अब कब्ज तो फिर चूरन से ही जाएगा ना, तो क्या देख रही है, तू भी क्या देख रहा है ऐसे, जा जाके चूरन ले आ। बाबूजी बाबूजी आपको कब्ज हुआ है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए कब्ज की दवाई ले आता हूँ, क्यों माँ? एकदम सही है, हैं? तू कब्ज की दवाई ले आ बेटा, और अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ ना तो मैं इन्हें घोड़े का जुलाब दे दूंगी, फिर देखना कैसे कूदेंगे बुढ़ाऊ। जमाल घोटा। क्या पागल, चल 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 यार जल्दी करना यार, क्या हो गया? अबे तेरी, तूने शेरवानी क्यों पहन रखी है बे? मैंने नहीं, भाभी और रिलेश भैया ने पहनाई। इधर भैया शादी है उसकी, तो क्या अभी घोड़ी नहीं मंगवा मैं? अरे भाग की शादी कर रही है और शेरवानी पहन के जाएगा ना, तो सब कुछ शक हो जाएगा। अबे शक क्या, पूरा यकीन हो जाएगा, अगर चाचू ने शेरवानी पहने देख लिया ना तो आंगन में मुर्गा बना देंगे तुझे। उतार से उतार, क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें शेरवानी क्यों पहन रहे हो? नहीं नहीं पहन नहीं रहा है राधा बुआ, ये उतार रहा है। पर राधा बुआ वो क्या है ना कि इसकी मंगनी टूट गई ना, तो बावला हो गया बेचारा। दीपक चल चल चल, तुझे रास्ते में छोड़ देता हूँ मैं, चल। दीपक चल चल सोहना सोहना, चलो 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 चलो, बाय बाय। अरे सब लोग भाग क्यों गए ऐसे? पता नहीं माँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे शादी, हाँ? मेरा मतलब ट्यूशन पढ़ाने जाना है। ठीक है चल। माँ अरे हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ कर देना क्या हुआ? दीपक तू मेरा बहुत अच्छा बेटा है, तूने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, और अगर कोई गलती हो भी गई तो क्या कोई माँ अपने बेटे से नाराज रह सकती है? दीपक या बेटे या दीपक क्या कर रहा है? अबे तू तो ऐसे माफी मांग रहा है जैसे भाग के शादी कर रहा हूँ। हाँ मतलब भागना कैंसिल। तुम चुप रहो, चल ना यार तुझे ड्रॉप करता हूँ, चल 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 तुम भी चलो यार चलो। ओके बाय बाय राधे वो।
तू जरा स्लो मोशन में क्यों चल रहा है? जल्दी चल। अबे सबसे ज्यादा जल्दी तो तुझे होनी चाहिए। चल चल आगे। अरे क्यों उसको खींच रहा? उसकी शादी है। अरे धीरे बोलो ना सब लोग। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। अबे शादी वाले दिन अच्छो अच्छो की हवा टाइट हो जाती है। शादी के बिना हवा टाइट होती है? शादी के बाद तो हमारी हवा ही रहती नहीं है। हम ही नहीं हो रहे। चुप रहो ना सब लोग। चल अरे ओए अब क्या हुआ? ओए पीछे मुड़। अरे पूजा तो कल है ना, तो अब तुम लोग इकट्ठा कहाँ जा रहे हो? तुम सब कब से ऑफिस जाने लगे भाई? नहीं नहीं चाचा जी, मैं तो मंदिर जा रही हूँ। पापा मैं तो शूटिंग पे जा रही हूँ। मैं भी शूटिंग पे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? मैं भी ऑफिस। अच्छा और तू? तू कहाँ जा रहा है? मुझे तो ये लोग लेके जा रहे हैं। नहीं एक्चुअली मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ तो पापा मैंने सोचा, मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। और ईशान मुझे ड्रॉप कर देगा? मैं रानी को ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा चलो ठीक है भाई, तो मुझे भी ड्रॉप कर दियो। मुझे बाबूजी की दवाइयाँ खरीदनी है। क्या? हाँ इसमें इतना सदमा लगने वाली कौन सी बात है? अरे नुक्कड़ तक तो जाना है मुझे। ठीक है। क्या बात हो गई? मैं एक मिनट में लेके आया। अरे यार हाँ भाई आज तो आइसक्रीम है। कहाँ चले गए सबके सब? यार ये हो क्या रहा है घर में? माँ के लिए? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपका निरादर नहीं करना चाहता, पर क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आशा है आप मुझे माफ कर देंगे। आपका बेटा दीपक। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।